स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। वी स्टडी हियर द चैप्टर 12 ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हिंदी में आवेश कहा जाता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट शोस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उस पदार्थ में वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत के कितने प्रभाव होते हैं? आपने देखा होगा बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन तब जब उसमें धारा प्रवाहित हो। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस अगर हम लाइट के संदर्भ में देखें तो, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं। ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट द लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसी वस्तु जो लाइट इमिट करे, प्रकाश का उत्सर्जन करे, उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। और ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती हैं, उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। ये कांच का बल्ब है, क्या ये ल्यूमिनस है? नहीं है। तब कब तक नहीं है? जब तक उसमें करंट का फ्लो न हो। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट तो तब आएगा जब करंट फ्लो होगी, क्लियर। और करंट फ्लो होने की बात तब आएगी जब चार्ज होगा। करंट फ्लो होने की बात कब आएगी? जब चार्ज होगा। क्यों? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट शोस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉट ओनली लाइट इफेक्ट बट आल्सो हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है? चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आपने कई बार सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन कैसा? By rubbing the objects became charged objects। हम वस्तुओं को रगड़ करके, वह दो वस्तुओं का कांटेक्ट ला करके हम क्या कर सकते हैं? वह ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के जरिए होता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपके तीन बातें हैं, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है और इंडक्शन है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेसिक प्रॉपर्टीज दैट Like charges repel each other। The first property is that like charges repel each other। Means समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो like charges को अगर हम पास में ले आए तो repel कर जाते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। दूसरी property क्या होगी? Unlike charges अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। द इंडिविजुअल सम ऑफ चार्जेस, द इंडिविजुअल सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ सिस्टम। मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्यू एन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डॉट 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 प्लस क्यू एन इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आर एन। Then Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 Qn. So we can say that charge is an additive quantity. We can say that charge is an additive quantity. The next topic is that quantization of charge. You have seen that charge always exist in the multiple of a natural number. In a discrete packet called quantum. तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर, Q इक्वल टू एन ई। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आधा कूलाम का चार्ज है, मींस 0.5 कूलाम का चार्ज है, 0.2 कूलाम का चार्ज है। चार्ज की जब भी बात आएगी तो या तो एक कूलाम, प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस एक कूलाम, दो कूलाम, तीन कूलाम, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर के मल्टीपल में होता है। चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड, चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड
इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है और एटम से बने हैं, मतलब एटम के पार्ट्स किए जाएं तो हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। ठीक, एटम क्या है? एटम लैटिन वर्ड एटोमियो से बना है। एटोमियो का मतलब क्या है? अनकटेबल, अनकटेबल मींस वन हु कैन नॉट बी डिवाइडेड, माने ऐसी कोई चीज जिसको हम बांट ना सकें, जिसका हम भाग न कर सके, उसको एटम कहते हैं। तो एटम के भी पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बांटा जा सकता है? इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ज जहां भी होंगे वो एक नेचुरल नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। लेट अस सॉल्व फॉर एग्जांपल, क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई यूजिंग दिस फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू एन ई। लेट अस सॉल्व फॉर क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4000, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4000 है तो कुल कितना आवेश है? q बराबर क्या होगा? n e, 4000 मल्टीप्लाई e, e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मल्टीप्लाई करिए 64 यानी 6.4, ये 1, 2, 3, ये 10³ है प्लस में, ये 10⁻¹⁹ है, तो कितना बन जाएगा? 10⁻¹⁹ कूलम। ये आपका टोटल चार्ज आ गया। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज करेंट। वी स्टडी हियर द करेंट। What is current? Current is represented by I. Current is represented by I. I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. So we can say that the rate of flow of charges, the rate of flow of charges is called current. माने आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम समझें इसको, if T equal to one second, if T equal to one second, then I is equal to Q, then I is equal to Q. Total charge per unit second is known as current. Yeah, the rate of flow of charges called current. I is equal to Q by T. And the unit of current, unit of current equal to यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। बट एसआई यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पियर, SI unit of current equal to ampere and it is represented by A. SI unit of current equal to ampere and it is represented by A. Clear? Now we go to the next topic, electric potential. Electric potential. Electric potential can be studied by studying the potential difference. Because potential is related with potential difference. Let us suppose, assume that there are two points, A and B. From B, we have given a small test charge, Q naught. And we have to bring this test charge from B to A. करना क्या है? एक सूक्ष्म चार्ज लेंगे जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश एक बिंदु B पर था, उस B पर से परीक्षण आवेश क्यू नॉट को उठा करके या कैसे भी लेकर आना है कहां तक? A तक। ठीक, तो ले तक ले आने में कहां से? B से A में, B से A तक ले आने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा?
वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैसे? VAB इक्वल टू W अपान Q, VAB इक्वल टू W अपान Q या Q नॉट, जो भी कह रहे हैं आप इसको। ये आवेश है, छोटा आवेश है, इसलिए हमने इसको टेस्ट चार्ज मान लिया है, इसलिए यहां पर W अपान Q नॉट लिखेंगे। मतलब क्या था? एक बिंदु से परीक्षण आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले आने में जो कार्य किया जाता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट द लेट क्यू नॉट इक्वल टू वन, क्यू नॉट इक्वल टू वन, क्यू नॉट अगर वन हो जाएगा तो वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू, वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब टोटल वर्क डन टू बिल्ड द डिस्चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात विभवांतर क्या है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। इसके बाद यूनिट ऑफ पोटेंशियल, आप पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे आप इसको पोटेंशियल कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, यूनिट क्या होगी? यहां देखें पोटेंशियल किसके बराबर है? डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के। डब्ल्यू क्या है यहां पर? वर्क। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। सो द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू बोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू बोल्ट। ओके, ठीक है। पूछना हो आपको जो भी कुछ ना समझ में आए उसको आप पूछ लें।